जीटीए के पिछले एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा ट्रेवर ने उड़ा दिया था डैनियल ब्रदर्स का पूरा घर, और अभी ट्रेवर आ चुका है लॉस सैंटोस में माइकल से मिलने के लिए। और अभी ट्रेवर कल रात से यहीं पर स्टे कर रहा है वेड के कजन के घर पे, और अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा माइकल के घर पे माइकल को मिलने के लिए। ट्रेवर भी कल रात बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और मैं तेरी मौत से इतने समय से दुखी था, और तू आराम से यहाँ पे लॉस सैंटोस में रह रहा है। भाई ट्रेवर बोल रहा है अभी देखना कल तुम्हारे दरवाजे में कौन आ रहा है। इट्स अगेन ट्रेवर, लेट्स गो, जल्दी पहुंचते हैं माइकल के घर पे। मैं पहुंच चुका हूँ रॉकफोर्ड हिल्स पे माइकल के घर के बाहर। लेट्स गो, एक काम करते हैं अपनी कार को यहीं पे साइड में पार्क करते हैं, और यही है माइकल का घर जहां पे रह रहा है माइकल टाउनली एके माइकल द सेंटा। और ये एक सेकंड, यू नो यू आर अ रियल एसहोल, व्हाट डिड यू जस्ट फकिंग से? माइकल के पास यहां पे ड्रग्स हो रहे हैं, फकिंग योगा, समबडी से योगा। ओ ट्रेवर, भाई साहब माइकल, hey, it's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's. भाई काफी cold moment है। वो घर पे आराम से बात कर रहे हैं। Trevor अंदर गुस्सा आया। किसी ने योगा कहा क्या? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro? Yeah, one of those fake your own deaths to your best buddy, and then. Run off with the dough and then live in a big mansion. Awkward situation. कुछ ज्यादा ही अजीब सिचुएशन हो रही है ये, और हाँ कि अपनी फेक डेथ बताना अपने दोस्त को और एक बड़े मेंशन में रहना अपनी फैमिली के साथ, ये थोड़ा ज्यादा ही अजीब है ना? Been a witness protect. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? Oh, bhai, wo TV actress banne ke liye ek TV show pe gayi hui hai. Jesus Christ, what now? Isko pata bhi nahi hai. The Maze Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. Huh? Oh, bhai. Worse than I thought. Now let's go. Come on. तुम चाहते हो कि हम दोनों नहीं जाएंगे हैं, तुम्हारी बेटी का मजाक उड़ा सबके सामने। हम दोनों मिलके भाई जाने वाले मेज बैंक अरीना में जहाँ पर एक टीवी शो चल रहा है। ट्रेसी वहीं पर गई हुई है। लेट्स गो भाई। You know, I could probably handle this myself. Let's say we grab a beer in a few hours, catch up. ओ भाई, दोनों दोस्त आपस में दोबारा से मिल चुके हैं। यार मैंने गलत जोक दी गलती से। Judging by past behavior and the state of the rest of your family, fuck only knows what that means. Hey, fuck you. Yeah. You're a model husband and a wonderful guy. भाई देखो अभी काफी शांति वाला माहौल है एक दूसरे के बीच में है, तो ये दोनों दोस्त ही और एक दूसरे को देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान हो रहे हैं लोग। हम पहुंच चुके हैं मेज बैंक अरीना में जहां पर आई हुई है ट्रेसी एक्ट्रेस बनने के लिए, और रास्ते में उन्हें एक दो बंदे को भी ठोक दिया, और काफी ज्यादा मैं भजन मचाता हुआ आया हूँ। लेट्स गो, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अभी हमें यहाँ से ट्रेसी को निकाला हो, क्योंकि ट्रेसी को पता नहीं है कि वो लोग है कौन एक्चुअल में। ट्रेवर और बाकी लोग तो उनको जानते हैं अच्छे से। लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं भाई अपनी गाड़ी को, सबसे पहले पार्क करते हैं यहाँ पे। ये भाई मेज बैंक अरीना जहाँ पर वो एक डांसर बनने के लिए आई है। यहाँ पे कुछ बास्केटबॉल और अलग अलग मैचेस वगैरह चलते हैं, ठीक है। और यहीं पर ट्रेसी आई हुई है डांसर बनने के लिए, क्योंकि वो टीवी शो पे आना चाहती है और वो डांस करेगी वहाँ पे। भाई उसको पता नहीं है कि वो लोग असल में है कौन, ठीक है, इसीलिए अभी हम लोग जाने वाले भाई उसको बचाने के लिए। लेट्स गो। हम वहाँ पे अंदर एंटर हो चुके हैं। Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that. Where the fuck's Laszlo? Okay. भाई ट्रेवर ने गला पकड़ लिया। ट्रेसी टाउनली है कहाँ पे? मतलब ट्रेसी डिसेंटा है वैसे उसका नाम, ठीक है। अभी पहले उसका नाम ट्रेसी टाउनली ही होता था, रियल नेम उसने चेंज कर लिया था बाद में। Yeah. Okay, यहाँ पे डांस की थोड़ी बहुत। All right.
वो चल रही हैं ऑडिशंस इन वाइनवुड सैन एंड्रियास. कमिंग अप नेक्स्ट इट्स ट्रेसी डेसेंटा. ट्रेसी डेसेंटा रही है. यस हाय. ऑलराइट. ट्रेसी इज अ डांसर बट शी आल्सो लाइक्स एक्टिंग मॉडलिंग एंड वर्किंग विद चिल्ड्रन. दैट्स ब्यूटीफुल. You're so original, like a basket full of puppies. Or a... Dad and Trevor? Two dads. Dad and Trevor! San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. Oh, why, let's go! Yahan pe thoda galat mahol ho chuka hai. Go home right now. Oh, bye. वो बंदा, let's go. हमें उसको पकड़ना होगा जो यहाँ का डायरेक्टर है भाई. वो ज्यादा ही कुछ फ्रैंक हो रहा था ना. Let's go, इसको पकड़ते हैं. ये भाग का रहा है. तेरी पैंस की टांग है, ज्यादा भागेगा. ओके, हम उसका ट्रक लेके जाने वाले हैं. ये फेम और शेम वाले का, ठीक है ना. वो लड़कियों के साथ गलत बिहेव कर रहा था. Let's go. ये तो अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया. अरे माइकल बैठ. Let's go. भाई वो भाग रहा है लिटरल गाड़ी में. तेरी पैंस की टांग कहाँ भागेगा भाई. यार हम ट्रक लेके क्यों जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी भी तो ले जा सकते हैं अपनी. हमें उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करना होगा. थैंक्स फॉर द फकिंग फीडबैक. इट मींस अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू. वी आर गोना फ्लैटन हिज टॉय कार इन दिस बिग रिग. उसकी हम लोग टॉय कार को एकदम भाई डिस्ट्रॉय करने वाले हैं. हमें ये ट्रेलर उतारना होगा. लेट्स गो. ट्रेलर हमने डिटैच कर दिया ताकि हम अभी ट्रक थोड़ा तेज चले. भाई ट्रेलर तो पीछे रह गया. ओ भाई लेट्स गो. इसकी गाड़ी ये रही ना. अरे भैंस की टांग, रुकियो जरा, मैं आ रहा हूँ भाई तेरे पीछे. कहाँ तक भागेगा. लेट्स गो. ये कुछ ज़्यादा तेज नहीं भाग रहा. ओके. गाड़ी के मुकाबले पीछा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ फिर भी हम इसका पीछा करके रहेंगे. ओके, वो रिवर में जा रहा है भाई. कहाँ गाड़ी घुसा रहा है अपनी. भाई तेरे पीछे ट्रक है. टेंशन वाले बच्चे, आगे तो रास्ता बंद है. कहाँ तक ही जाएगा, है ना. कहाँ तक भागेगा, किधर तक भागोगे बच्ची. वो रहा उतर गया भाई गाड़ी से. उतर गया गाड़ी से. हाँ भाई, ज्यादा देर को भागना आ रहा था. Hey, you run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. भाई जो भी उसके साथ गलत करेगा उसको हम पेल डालेंगे, ठीक है ना. भाई वो बोल रहा है, वो तब से मेरे साथ है जब वो 2 साल की थी. ट्रेवर बोल रहा है. I'm an addict. Let's go, bhai. I can't stop jacking. Oh, bhai. Trevor sada dekho bhai isko de raha hai. Now, I want you to dance sexy, celebrity. Oh, bhai, let's go. Bhai, aisi jagah milni chahiye bhai inko. I'll dance. Good. Oh, bhai. All right. Now drop it like it's hot, right? Arre, bhai. Bye. Let's go. Please don't kill me, okay? Let's go, bhai. Trevor बहुत सही बंदा है भाई. Legit भाई. Dave, we need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay, let's go. Trevor अपना यहाँ से जा चुका है और अभी मैं वापस आ चुका हूँ Michael पे. Let's go, अभी चलते हैं माइकल के घर पे और देखते हैं वो लोग घर पे आए हैं अभी नहीं आए. और मेरी गाड़ी भी इधर नहीं है भाई, मेरे को किसी और की गाड़ी ले जाके अपने घर पहुंचना होगा. यहाँ पे मस्टैंग GTA बेच आई है ऐसी गाड़ी, मेरे तो अपनी गाड़ी छोड़ दूं भाई. Let's go, गाड़ी को लेके जल्दी निकल लेते अपने अगले मिशन पे. Let's go, ज्यादा हो गया ना, चलो जल्दी पहुंचते. ओके लेट्स गो. मेरे को रास्ते में लेस्टर का कॉल आया था और लेस्टर बोल रहा है कि मद्रासो को उसके घर के पैसे ऑलरेडी 2.5 मिलियन डॉलर्स मिल चुके हैं और लेस्टर ने मेरे को दे दिए 7 लाख डॉलर्स जो कि हमारे बच्चे थे. ओके, मार्टिन मद्रासो का मेरे को मैसेज आ चुका है कि मेरे को तेरी पेमेंट मिल चुकी है और तुम अपनी जुबान के पक्के हो, ठीक है. इसीलिए शायद मार्टिन मद्रासो भी बोल रहा है कि मेरा घर दोबारा से रिपेयर हो जाए कुछ समय में. एंड वो भी शायद हमारा दोस्त बन चुका है भाई. तुम्हारे भाई की बातचीत बहुत आगे तक पहुंच चुकी है. लेट्स गो, अभी जल्दी चलते अपने अगले मिशन की तरफ. ओके, मैं अपनी कार को लेके पहुंच चुका हूँ एक कुछ ज्यादा ही तगड़ी लोकेशन पर. लेट्स गो.
फिलहाल मैं यहाँ से उतर जाता हूँ और ये आई थिंक सो कोई पार्लियामेंट वगैरह है, मेरे को इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाना होगा। लेट्स गो, मैं यहाँ से टाप के जाने वाला हूँ। लेट्स गो, मैं ऊपर चलकर देखता हूँ, शायद मेरे को यहाँ पे डॉक्टर मिलने वाला है जिससे मेरे को मिलना था। और हाँ, उसने मेरे को बोला था कि मेरे को तुमसे बात करनी है ट्रेवर के बारे में, और माइक बोल रहा है मेरे को भी सेम उसी बारे में तुमसे बात करनी है। ठीक है, लेट्स गो। फिलहाल मैं यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा ही ऊपर आ गया और माइकल लग गए भाई थोड़ी सी ज्यादा। लेट्स गो, लेकिन हाँ बच गया, थोड़ा खून वो निकल गया। शायद वो डॉक्टर यहीं पर है, ये बंदा यहीं पे है। ठीक है, इसने मेरे को कॉल करके बोला था लास्ट में के एंड पर के मेरे को तुम्हें एक बारे में बात करनी है, मेरे को सेम मेरे को उसी बारे में बात करनी है। I know you did that fucking jewelry job. Davies. इसका नाम डेवी है। Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. ये डॉक्टर नहीं है एक्चुअली, मैं इसको डॉक्टर बोले जा रहा था। ये Trevor. हमारा एक दोस्त है। Couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if not when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. इसी ने माइकल का सरनेम वगैरह सब कुछ चेंज करवाया था, माइकल की पहचान सबसे छुपाई थी और इसने मेरी मदद करी थी सारे मेरे जो गुनाह वगैरह उसको छुपाने में। Then I guess that means that my problems are sort of your problems. How the hell am I gonna get in here? No, you've played dead before, haven't you? Okay. अरे भाई! इसने माइकल को बेहोश कर दिया है। क्या तुम्हें अभी पहले मरना होगा? मतलब मरा नहीं है, मतलब ऐसा एक्ट करना होगा कि तुम भी मर चुके हैं, ठीक है ना? और अभी इसने मेरे को एक फोटो दिया माइकल को कि इस बंदे को ढूंढो और जो मेरी प्रॉब्लम वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और मेरे जो कोई भी बंदा है वो फाइल्स वगैरह फोल के सारे डाटा वगैरह निकाल सकते हैं कि मैं भी ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, तुम्हें मैंने बचाया है, तुम्हारे क्राइम्स सारे मैंने हटाए हैं, और जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया है तुम्हारा सारा सरनेम वगैरह चेंज करा, कोई भी मेरे बारे में ऐसे जान सकता है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसे हो, अगर मेरे बारे में पता चला तो तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, इसलिए मेरे को एक बंदे को ढूंढना होगा जिसके बारे में ब्यूरो क्लेम करता है कि वो मर चुका है। लेकिन हाँ, मेरे को अभी कंफर्म करना है कि वो मरा है या फिर नहीं। ठीक है, लेट्स गो। अभी मैं डॉक्टर्स के पास आ चुका हूँ और अभी मेरे को यहाँ से उठना होगा, इसने मेरे को बेहोश कर रहा था। ओ भाई, लेट्स गो। माइकल ने इसको बेहोश कर दिया है, मेरे को शायद पहले कपड़े अपने पहने होंगे अपने, ठीक है ना? यहीं पर है मेरे सारे के सारे कपड़े और मैंने अपने कपड़े पहन लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे आ चुके हैं, ठीक है ना? सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि वो जो बंदा है उसको उस हमारे दोस्त के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है कि उसने कैसे कैसे माइकल को बचाया है, ये वो किया है, ठीक है ना? अभी मैं इसको बेहोश करने वाला हूँ, आजा ये ले, ठीक है? लेट्स गो। मैंने इसको मार दिया, मैं इसकी गन उठा लेता हूँ और मेरे को मॉर्ग की बॉडी सर्च करनी है, ठीक है ना? कि ये वही बंदा है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वो मरा है या फिर जिंदा है, क्योंकि ब्यूरो तो बोल रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन हाँ हो सकता है कि वो जिंदा हो जहां तक मेरे को लगता है। लेट्स गो। डेव को मैंने कॉल लगा दिया कि वो बंदा मरा है या फिर नहीं। I found the toe tag, Ferdinand Caramon. Okay, यहां पे अलार्म बज चुका है। Definitely not your guy. अरे 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 अरे, तुम्हारी भैंस की डांग। मेरे को बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, पहले मेरे को गन निकालनी होगी अपनी। ओके ओके ओके, इस बिल्डिंग से एस्केप करना बहुत मुश्किल होने वाला है। Hey, I already died once today. मैं एक दिन में पहले भी मर चुका हूँ, ठीक है ना? Let's go, ये मरा। ये भी मरा। मेरे को शॉटगन मिल चुकी है, आइयो जरा अभी। तुम्हारी पैंस किधर? ठीक है ना, मैंने इन सबको मार दी। ये ले, मेरे को शॉटगन से ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि मेरे को इनको ऐसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे होने वाले। ये ले, ठीक है ना, मैंने इनको भी मार दिया। मेरे को फिर फायर एग्जिट, ठीक है ना? लेट्स गो, मैं स्टेयर से नीचे जाने वाला हूँ। भाई मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। यहाँ पे एक रास्ता है। जी भाई, यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, मेरे को ऊपर जाना होगा। क्या मैं बेसमेंट में हूँ? यहाँ पे बंदे और आ रहे हैं, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, मेरे को अपनी हेल्थ बढ़ानी होगी। जो भी यहाँ पे आएगा पहले मैं उसी को मारूंगा, ठीक है ना?
लेट्स गो एक बंदा आ रहा है ये दरवाजे के पास में ही है क्योंकि मेरी हेल्थ बढ़ ही चुकी है वैसे काफी ज्यादा आजा ये ले लेट्स गो मेरे को यहां से बाहर निकलना है भाई मैं कितना नीचे हूं मर गया Let's go भाई मैं ब्यूरो में हूँ एक्चुअली पुलिस वालों के escape through the building ये ले ठीक है मेरे को विंडो के थ्रू बाहर निकलना होगा Let's go shoot the window अरे विंडो टूट भाई Let's go मैंने विंडो तोड़ दिया और विंडो से मैं कचरे के डिब्बे में कूद गया हूँ और मैं फाइनली यहाँ से एस्केप कर गया हूँ अभी पुलिस वाले भी मेरे पीछे आने वाले हैं मेरे को उनसे बचना हुआ है एंड देवी को पुलिस वाले मेरे पीछे बहुत सारे आ रहे हैं मैं ये वाली गाड़ी लेके निकलने वाला हूँ ठीक है ना मेरे पीछे 3 स्टार की पुलिस लग चुकी है ओ भाई 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 मारी मत बहुत जोर की लग जाएगी ठीक है ना देवी को भागो अब भगाओ भाई गाड़ी अब नहीं रुकना Let's go. मैं एक जगह पे कोने पे छिप चुका हूँ शायद पुलिस वाले मेरे को यहाँ पे ना ढूंढ पाए हो सकता है अगर हेलीकॉप्टर ने मेरे को देख लिया ना तो मेरी बैंड बजने वाली भाई अगर हेलीकॉप्टर ने मेरे को देखा तो मेरी बैंड बज जाएगी भाई बहुत बुरी वाली Let's go भाई finally तुम्हारे भाई ने पुलिस वालों के पीछा छुड़ा लिया भाई मैं पास की एक जगह पे ही छिप गया था ओके अभी मेरे को यहाँ से बाहर निकलना होगा मैंने फ्रैंकलिन को कॉल लगा दिया कि मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. ओके उसने बोल दिया कि मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए वो बोल रहा है कुछ सही नहीं लग रहा है यार क्या चल क्या रहा है यहाँ पे ठीक है ना ओके हमारा फ्रैंकलिन बोल रहा है कि वो आ रहा है अभी Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. Okay, Dave, मेरे को बोल रहा है वो मेरे को उसके बॉस से मिलना होगा FIB और AA building में, ठीक है ना? और ये बोल रहा है कि ये थोड़ा बहुत पर्सनल भी है क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी साजिश चल रही है और वो इसकी पर्सनल है और ये बोल रहा है मैं इससे बाहर हूँ भाई मैं नहीं कुछ कर रहा Let's go. फ्रैंकलिन के पास मैं पहुंच चुका हूँ What's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Okay, Michael बोल रहा है कि अभी मैं शहर से बाहर जाना होगा एक लंबी ट्रिप पे ठीक है ना क्योंकि हम यहाँ पे बिता नहीं रह सकते मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं पहले से मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे माइकल की जो सच्चाई है वो ब्यूरो को धीरे धीरे पता चल रही है उसके थ्रू डेव के ओके फ्रैंकलिन बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि ब्यूरो वाले अगर तुम्हें कोर्ट में ले गए तो मैं तुम्हारी फिर भी मदद करूंगा ठीक है ना और माइकल जो है वो अपनी दो स्टोरीज रन कर रहा है एक साथ में एक माइकल टाउनली और माइकल डिसेंटा की ठीक है ना जिसमें माइकल एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और एक में माइकल एक नॉर्मल इंसान है जो कि अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है Let's go भाई फिलहाल हमने ये पता कर लिया कि लोग अभी भी बहुत सारे हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमें अपना सारा का सारा हिस्ट्री वगैरह मिटानी होगी जो कि बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होने वाला है इतना सब कुछ छिपाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है ऊपर से डेव को हमारे बारे में सब कुछ पता है डेव भी बोल रहा है कि मेरी जो फाइल्स है वो इन्वेस्टिगेट हो सकती हैं एंड हमें सब कुछ सारे सबूत मिटाने होंगे माइकल टाउनली के बारे में हर चीज खत्म करनी होगी Let's go. तो चलिए अगर फिलहाल अच्छी सा वीडियो पसंद आया होगा तो आज का लाइक छोड़ो पसंद आएगा तो लाइक मार देना चैनल सब्सक्राइब कर देना बाय